आपण पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल। नमस्कार, मैं हूं पर्वतराज पुरोहित, आप देख रहे हैं भारतीय जनमत न्यूज। आइए जानते हैं मुख्य समाचार। 2024 में नवी मुंबई वासियों से औसतन 1 करोड़ प्रतिदिन साइबर फ्रॉड के जरिए चोरी हो रही है। इस गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए नवी मुंबई पुलिस ने बुधवार को एक व्हाट्सएप चैनल और एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन स्कैम्स और ठगों द्वारा अपनाए गए तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इन पहलों का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने सिडको प्रदर्शनी केंद्र वाशी में आयोजित एक समारोह में किया। नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे ने समारोह में कहा कि हालांकि ऑफलाइन चोरी और डकैती के मामले की संख्या अधिक है, लेकिन साइबर फ्रॉड से हुए वित्तीय नुकसान की राशि 13 गुना अधिक है। इस साल नवी मुंबई में डकैती, चोरी और लूट के करीब 1100 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें वित्तीय नुकसान 13.67 करोड़ है। इसके मुकाबले साइबर फ्रॉड के 249 मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन इनमें नागरिकों को लगभग 168 करोड़ का नुकसान हुआ, यानी औसतन 1 करोड़ प्रतिदिन, भारंबे ने ऐसा कहा।